नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 32 इयर्स लेडी का जो मैरिड है। इनके एनालिसिस से पहले इनके थोड़े कुछ सवाल है उसको हम लोग दोहरा लेंगे और उनके बारे में कुछ जान लेंगे, उसके बाद हम लोग एनालिसिस के लिए जाएंगे। इन्होंने बहुत बड़ा लिखा है अपने बारे में, बहुत कुछ लिखा है, उतना कुछ नहीं बताया जा सकेगा यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। उन्होंने अपने बारे में जो सवाल पूछा है क्या है, उन्हें एक्टिंग और डांस ये सब अच्छी लगती है, तो ये साइड अगर ये अपने करियर के लिए चूज़ करे तो कैसा रहेगा। ये कभी इन्होंने कहा कि क्या मैं कभी खुश रह पाऊँगा, अभी ये बहुत सच में बहुत दुखी है और हम लोग बाद में जानेंगे क्यों। कोई भी काम ये कर पाएंगे कि नहीं, दुनिया में इनको कभी भी इज्जत मिल जाए मिलेगी या फिर नहीं, फॉरेन का कनेक्शन है कि नहीं, कुछ बन पाएंगे कि नहीं, मतलब टोटली आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ट्रैवल में है और ज़िंदगी की कोई राह नहीं मिल रही है, इसलिए कुछ बन पाने की, खुद के कुछ करने की जो चाह है वो सक्सेसफुली ये कर पाएंगे कि नहीं, अगर कर पाते हैं किस एरिया में ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इनके बारे में जो बोलना है कि इनकी ये शादीशुदा है और इनके दो बच्चे भी है, लेकिन कभी भी इनके हस्बैंड के साथ इनके रिलेशनशिप ठीक नहीं रही और कभी कभी तो ये नौबत भी आ गया था कि डिवोर्स हो जाए, लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ इन लोगों का और ये ऐसे चल रहे हैं। इनके हस्बैंड करोड़पति है लेकिन इनके पास फूटी कौड़ी भी इनको नहीं मिलती है, इस तरह का सिचुएशन इनका है अभी। तो वो सारे क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बोलना ज़रूरी था, नहीं तो बाद में अगर पाम एनालिसिस करते तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्यों निकाल रहा हूँ ये सारे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं, शुरू करके जब जब हम बोलते बोलते जाएंगे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आएगा। उनका एक उन्होंने अपने लाइन के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो तो हम लोग मैं ले लूँगा बाद में, लेकिन उन्होंने वो ये फिंगर के जो पैटर्न होती है कुछ दिखा देता हूँ, इसको कहते हैं, इन्होंने इस मतलब इस ये निशान के बारे में बोला है। फिंगर टिप में हम लोग के हर एक के फिंगर टिप में देखिएगा कुछ तरह का निशान बनते हैं, इनके अगर ये फिंगर में देखें तो ऐसे, एक मिनट, ये जो ऐसे बन रहे हैं ऐसे बनते हैं किसी के पाम में, ये होती है आर्च, इसे कहते हैं सिंपल आर्च। ये जो आर्च होती है ये सिंपल आर्च होती है, ये सिंपल आर्च रहती है और इनकी छोटी उंगली में ऐसा ये है वो इनके आया है टेनेंट आर्च। टेनेंट आर्च कैसे रहते हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं, ये इनके छोटी फिंगर में है, यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं चलेगा, देखिएगा आप लोगों के पाम में भी ऐसा आर्च के निशान बनते हैं, ऐसे एक स्क्वायर बनते हैं उसके ऊपर आर्च रहते हैं। तो ये होते हैं टेनेंट आर्च, ये क्या होती है, ये होती है सिंपल आर्च, सिंपल आर्च होती है ये, और इसको कहते हैं टेनेंट आर्च। मैं बाद में एक बार आप लोगों को सभी को ये एक बार दिखाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है हम लोगों के, इस ये जो आर्ज बनती है, आर्ज बनती है, लूप बनती है, कंपोजिट बनते हैं, होल बनती है, बहुत कुछ साइन नहीं है फिंगर टिप में हम लोगों की बनती है, लेकिन वो तभी रिजल्ट देते हैं जब सारे के सारे फिंगर में एक ही तरह का निशान हो। बनना क्या होती है, दो ये किसी पर्टिकुलर फिंगर में हो जाए तो उस फिंगर का ये गुण बनता है, ऐसा नहीं होती है। ये होती है कि जो सबसे ज़्यादा आपके फिंगर में है या फिर सबसे सब फिंगर में अगर एक ही तरह का निशान हो, या फिर मैक्सिमम फिंगर में आपके पांच फिंगर है उसमें चार में से एक ही पैटर्न का निशान हो, तो आप उस तरीके का इंसान, आपकी उस तरीके का नेचर होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। तो ये जो सिंपल आर्च रहती है, इस ये अगर आपके सारे के सारे फिंगर के टॉप में हो या फिर मैक्सिमम फिंगर के टॉप में हो, तो आप इस तरह का इंसान बनते हैं जो बहुत ही डीपली सोच पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है, आप रॉयल लॉयल होते हैं, मतलब आपको अगर कोई विश्वास करके कोई काम दिया जाए तो आप कर सकेंगे, आपका कुछ फेथफुलनेस रहती है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, ये सारे गुण रहते हैं अगर आपकी पाम में ये सिंपल आर्च हो। और ये अगर टेनेंट आर्च हो जाए आपके, ये सारे के सारे फिंगर में अगर इस तरह का टेनेंट हो जाए, तो ये रेस्टलेसनेस होती है, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं ले पाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है,
ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन टाइप के इंसान होते हैं, अगर सारे के सारे फिंगर में 10 इंच आर्च हो जाए तो ये हर वक्त काम में रहते हैं, हर वक्त एक्शन में रहते हैं, इस तरीके का नेचर रहते हैं। अगर 10 इंच आर्च आपके सारे के सारे फिंगर के टॉप में हो या फिर मैक्सिमम फिंगर के, मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा ये सारे साइन फिंगर टॉप में जो साइन रहते हैं उसके लिए, और भी बहुत सारे 4-5 और साइन रहते हैं। तो इनके यही दो सवाल थे इसलिए इनको बता दिया। देखिए आपके ये जो 3 फिंगर में सिंपल आर्च है तो आपको थोड़ी बहुत सिंपल आर्च की नॉलेज ये कैटेगरी रहेगी, उस तरीके का आपका नेचर होगा, आप फेथफुलनेस में भरी होंगे, आपको विश्वास देके कुछ मतलब काम दिया जा सकता है, आप उसको करेंगे, आप लॉयल है बहुत ज़्यादा, आप मेटेरियलिस्टिक है, ये सारे गुण आप में है, थोड़ी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मिनिमम 4 फिंगर में एक ही तरह का पैटर्न हो तो उसमें प्रोमिनेंसी देखा जाता है, लेकिन आपके 3 फिंगर में है तो थोड़ी बहुत ज़रूर रहेगी। और इसका कोई रिज़ल्ट मैंने जो बोला 10 इंच टच का, वो सारे गुण आप में उतना ज़्यादा खास नहीं देखा जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही फिंगर में है, तो उतनी ज़्यादा फिंगर में नहीं देखा जा सकता, मतलब आपके ऊपर वो गुण उतना ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। बाद में यहाँ पे भी बनते हैं माउंट वगैरह में, वो हम लोग एक बार वही तरह का बनता है और वही रिज़ल्ट होती है, बहुत ज़्यादा अगर एक ही तरह का साइन हो तो उस तरह का नेचर रहते हैं। मैं एक बाद में आप लोगों की लिए एक इसका एपिसोड बना के मैं डिटेल में समझा दूँगा। तो ये रहेगी आपकी आपकी सिंपल आर्च की पैटर्न की ज़्यादा है तो उस तरह का नेचर आपका रहेगा। अभी आपके थोड़ा पाम के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आप लोग आपकी जो सवाल है उसको हम लेके। तो आपकी जो पाम है वो है कम्प्लीट, एकदम कम्प्लीट, एकदम नैरो रेक्टेंगुलर शेप में है। अगर इतनी ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप में हो और आपकी जो माइन लाइन है वो थोड़ी सी झुक भी रही है, दो कोन बना के झुक रही है नीचे की तरफ, तो आप में थोड़ी सोचने की तो ज़्यादा क्वालिटी रहेगी, आप बहुत अच्छी तरह से सोच पाते हैं, आप अगर पोइट्री वगैरह लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह लिख भी पाएंगे, आपकी कला की फील्ड जो आप कहे एक्टिंग डांस इनमें इंटरेस्ट ज़रूर रहेगी, ये और भी कुछ हो सकती थी, सॉन्ग हो सकती थी, आप अच्छी बढ़िया तरीके के राइटर बन सकते हैं। अगर माइंड लाइन ऐसे आके मून की माउंट के ऊपर आए, बहुत ज़्यादा डीप ना जाए या ऐसे डीप ना जाए, इस तरह का माइंड लाइन का पैटर्न हो और हाथ एकदम परफेक्ट ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में हो, तो इन लोगों के ये सारे गुण होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच पाते हैं, सोच के कुछ निकाल पाते हैं, बहुत बड़ी आर्ट की फील्ड में होती है, अच्छी तरह से ड्राइंग कर पाते हैं कोई, ये सारे जो आर्ट के गुण होते हैं ऐसे पाम वालों को अक्सर देखा जाता है, जो गुण आप में भी है। अगर आपकी वो फिंगर देखें तो थोड़ी एक बार थंब देख लेते हैं, थंब बहुत लंबी है और थोड़ी पीछे बेंट भी हुई है, विल और लॉजिक दोनों पार्टी बड़ा है, तो आप में विल और लॉजिक की एक बहुत बढ़िया बैलेंस रहेगी, और ये लंबी थंब आपको एक अथॉरिटी दिलाती है, मतलब आप में एक पावर तो है कि आप किसी को अगर कुछ बोलेंगे तो एक पावरफुल बात होगी, जो दूसरे आपका जो श्रोता है जो सुनता है आपकी बात वो आपको उतनी ईजिली इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ये पावर तो आप में है, जो एक लीडर की पावर रहती है, जो बोलते हैं दूसरे सुनते हैं उसे मानते भी, तो उस तरह का पावर तो आप में है, आपकी थंब बहुत ही बड़ी और लंबी है। आपकी अगर जुपिटर फिंगर देखें थोड़ी सी हल्की सी कर्व हुई है सटन के ऊपर, क्रॉक है थोड़ी बहुत, तो इसके आपको लीडरशिप क्वालिटी दिलाती है, अगर इंडेक्स फिंगर सटन के ऊपर झुक जाए तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी दिखा जाता है, और इनमें इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी रहती है, आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी खासी है। आपकी सन फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी है जुपिटर के फिंगर के कंपैरिजन में, तो आप थोड़ा रिस्क टेकिंग नेचर के होंगे, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, कोई भी रिस्क लेने वाली काम हो तो आप उसमें बहुत अच्छी तरह से करके सक्सेस भी पा सकते हैं, अगर बाकी सारे साइन आपके ठीक रहे। छोटी फिंगर सन की 3rd फैलेंज तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नई जगह पर जाना या नई लोगों से बातें करना, अपने दिल की बातें कहना, आप में कुछ उस तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपके ऊपर का माउंट का जगह देखें तो ये अच्छी खासी मिली है, रेक्टेंगुलर शेप आम है, चौड़ा है और जगह भी अच्छी खासी मिली है, और ये कंप्लीट आर्च पैटर्न में बन रही है, कंप्लीट आर्च बने तो ये फिनेंशियल के लिए मीडियम क्वालिटी की रहती है, बहुत बढ़िया नहीं रहती है, एकदम एक क्लास होती है ऐसे अगर चले जाए पाम की आर्च लाइन, लेकिन आपकी कंप्लीट आर्च है तो आपकी मीडियम क्वालिटी की दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का माउंट का जगह थोड़ी कम हो जाती है इसके वजह से, लेकिन ये ऊपर का माउंट का ओवरऑल जगह अच्छी मिली है, तो आपको
पैसे तो ज़रूर होंगे। अभी आपकी मार्केट अमाउंट ठीक ठाक है, बहुत सारी हीलिंग लाइन यहाँ पे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, ये इसलिए किया होगा कि जो हल्की पुल्की कुछ लाइन होगी हम लोगों को क्लियर नहीं दिखेगी। यहाँ पे बहुत सारी हम लोगों को लाइन, एक दूसरी पाम में चलते हैं वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो इस पाम में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्केटिंग लाइन, मार्केटिंग माउंट में बहुत सारी खड़ी लाइन है, ये हीलिंग लाइन होती है। आप दूसरों को, दूसरे के लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, दूसरों को अच्छे एडवाइस देना, ये सारे गुण आप में बहुत अच्छी तरीके से है। अगर आपकी सन माउंट देखें तो यहाँ पे बहुत सारी फिश साइन है और सारे के सारे कंप्लीट भी है। तो यहाँ पे एक फिश बन रही है जो कंप्लीट है, यहाँ पे और एक फिश बन रही है, मैं एक बार ड्रॉ करके हटा दूंगा उसके बाद आप लोग देख पाएंगे ठीक तरीके से। तो देख लीजिए, अभी ये एक फिश साइन बन रही है और ये एक फिश साइन बन रही है, ये दो फिश साइन इनके पाम में है। तो इनके ये तो कुछ करते नहीं है, ये तो हाउसवाइफ है, हम लोगों ने जान लिया। और इनके पास कुछ पैसे भी नहीं है, पाँच पैसे भी नहीं रहते, लेकिन इनके पति करोड़पति है, मतलब जिनके साथ इनकी शादी हुई वो करोड़पति है, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उनके पास बहुत करोड़ों का एसेट है। तो मैं हर वक्त जो कहता हूँ कि अगर हाउस वाइफ हो और उनके पाम में कोई अच्छी साइन हम लोगों को मिल जाए तो आप ज़रूर जानिएगा उसका रिज़ल्ट उनके हस्बैंड को मिलेगा। यही अगर ये खुद काम करते तो ये रिज़ल्ट इनको मिलती, लेकिन ये कभी काम नहीं किए और अभी भी नहीं कुछ कर रहे हैं जिसमें पैसे इनकम हो, तो इसके वजह से ये जो सारे बेनिफिट इनके हस्बैंड को मिल रही है। तो हमें दिख गई कि यहाँ पे फिश साइन है, आगे चल के ये अगर खुद काम करेंगे अपना तो ये फिश साइन का, ये जो दो फिश साइन है, करोड़पति वाला फिश साइन, मिलीनियर वाला फिश साइन है, इतनी क्लियर है, इतनी बढ़िया कंडीशन में है, दो दो फिश साइन है पाम में, तो ये जो पैसे ये खुद भी इनकम कर पाएंगे, इतने सारे पैसे ये खुद भी इनकम करने की काबिलियत इनमें ज़रूर है। लेकिन अभी ये कुछ नहीं कर रहे तो इसका सारा का सारा अच्छा रिजल्ट इनके पति को मिल रही है। सैटर्न माउंट देखें, दबी है, हल्की सी दबी होनी अच्छी रहती है सैटर्न माउंट, तो इनके भी सैटर्न माउंट दबी हुई है, खड़ी लाइन है एक दो, ये जनरली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये हल्की जो लाइन हमें दिख रही है ये धन रेखा के रिजल्ट देगी इनको, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनके लाइफ में दे रहे हैं और धन की कभी कमी नहीं हो रही है, ये इनके पाम से इनके मतलब इनके रिज़ल्ट नहीं दे रही है, ये शायद इनके पति को रिज़ल्ट दे रही है जो ये खड़ी लाइन दिख रही है हमें, इनके पति को शायद कभी भी पैसे की कमी नहीं आ रही है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पैसे कमा भी पा रहे हैं। जुपिटर माउंट देखें, यहाँ पे बहुत सारी सलमन रिंग है, तीन सलमन रिंग हमें क्लियर दिख रही है इस पाम में और वो सभी के सभी बड़े हैं और एक तो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप किसी को कंप्लीट सलमन रिंग देखना है तो जनरली देखा नहीं जा सकता है, बहुत कम पाम में होती है, तो ये देख लीजिए एकदम कंप्लीट सलमन रिंग है। और इसके साथ मिस्टिक क्रॉस भी है, मिस्टिक क्रॉस अकेला कोई रिजल्ट नहीं देता है, अगर सलमन रिंग हो और उसके ऊपर मिस्टिक क्रॉस हो तो इन लोगों को अपने धर्म के प्रति ये अपने धर्म के प्रति अच्छे विश्वास रहते हैं, अगर उस टाइम पे मतलब रिलीजियसली कोई काम करना चाहते हैं तो कर पाते हैं। ये जो साइंस वगैरह होती है जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये अगर सीखना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सीख पाते हैं, ये सारे नॉलेज इनको दिखाती है। ये जो सलमन रिंग होती है ये दिखाती है हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में हम लोगों की नॉलेज अच्छी तरह से है कि नहीं। ये जो मिस्टिक क्रॉस होती है ये दिखाती है कि हमें उसे सीखने की काबिलियत है कि नहीं, अगर मिस्टिक क्रॉस पाम में हो तो सीखने की काबिलियत भी रहती है, पहले तो इंटरेस्ट आया फिर ये काबिलियत भी आ गया कि हम उसे सीख पाएंगे कि नहीं। अभी उसे अगर आप लोग ये चाहते हैं फिर से कि हम उसे एनालिसिस करके प्रेडिक्शन दे पाएंगे कि नहीं, उसके लिए मून माउंट बहुत बढ़िया रहनी चाहिए, मून माउंट और मार्केटिंग माउंट दोनों बढ़िया रहनी चाहिए, उसमें अगर अच्छी साइन हो तो सबसे बढ़िया रहेगी और उसके ऊपर अगर एक इंट्यूशन लाइन आ जाए तो वो तो सबसे बढ़िया रहती है, लेकिन इंट्यूशन नहीं लाइन ना भी हो तो भी आप कर पाएंगे अगर आपकी मून और मार्केटिंग माउंट बढ़िया रहे और उसमें अच्छी खासी साइन रहे। तो ये हमें उन्होंने कहा है कि उनके पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है और उन्होंने जो सवाल भेजे हैं अपने पाम के बारे में, मतलब दो पेज मैंने लिख लिया उनके सवाल, उसमें सारे के सारे उन्होंने अपने लाइन के बारे में ही लिखा है कि इस लाइन से क्या होती है, उस लाइन से क्या होती है,
तो उनके अच्छी खासी नॉलेज है वो हमें दिख गई कि उनके उन्होंने तो एक तो इंटरेस्ट इनके है और दूसरी मिस्टिक क्रॉस के वजह से इन पे एकदम परफेक्ट मिस्टिक क्रॉस है, एकदम यहाँ से आके इस तरह से माइंड लाइन में आया और यहाँ से निकल के कंप्लीट हुआ, कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं है, को किसी भी लेग टूटा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इसके वजह से ये अच्छी तरह से सीख भी पाए कि इनको जो उन्होंने देखा जो वीडियो वगैरह में देख के ये सीखते हैं तो उसी में ये अच्छी तरह से सीख भी पाए हैं। तो इनकी जुपिटर रही मरकरी, सॉरी अगर हम मार्स माउंट देखें तो मार्स माउंट भी बहुत अच्छी बेहतर है, चौड़ा है और जगह भी इनको मिली है, उभरा हुआ भी है। बहुत सारे यहाँ से राहु लाइन निकल के लाइफ लाइन में कट रही है, वो हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये एग्रेसिव मार्स अच्छी तरह कंडीशन में होने के कारण इनमें एग्रेसिव नेचर भी रहेगी, ये बहुत एग्रेसिव मेंटेलिटी की भी रहेंगे। ये किसी भी अगर काम के इनको ऑफर आए तो ये एग्रेसिवली काम भी कर पाएंगे, मतलब एग्रेसिवनेस जो चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो तो इनमें है। लाइफ की जो एनर्जी चाहिए एग्रेसिवनेस के उनमें पाम में बहुत अच्छी है, लेकिन इनके वेनस माउंट जो है वो वीक है। देखिए वेनस माउंट कितनी छोटी जगह मिली है, अगर वेनस माउंट को आपको बड़ा जगह ना मिले, एक तो आपका सेक्सुअल जो लाइफ होती है वो बहुत बेहतर नहीं रहती है, और दूसरी जो होती है अगर आप आर्ट के फील्ड में हो सॉरी और वहाँ पे आप लोगों की रिकॉग्निशन चाहिए, मतलब दुनिया जानेगी दुनिया मानेगी आपको किसी भी तरह का आर्ट का फील्ड में अगर आप जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा नाम हो और पैसे हो, तो वहाँ पे सन माउंट और वेनस माउंट ये दोनों माउंट को पावरफुल होना ज़रूरी होती है। वेनस माउंट में आप जो सीखते हैं उसे अच्छी तरह से उसे प्रेजेंट कर पाते हैं। वेनस माउंट से क्या होती है, हम लोग जो आर्ट के जो आर्ट हम लोग सीखते हैं उसे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का आर्ट हो, उसको हम प्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को वेनस माउंट की ज़रूरत होती है। आप जो आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं उसे दुनिया एक्सेप्ट करेगी, उसे बाहवाई देगी, उसे रिकॉग्निशन देगी, वो बेहतर सन माउंट दे बोलती है, मतलब अगर बेहतर सन माउंट हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, तो आप जो काम करेंगे उसके रिस्पेक्ट अगर मिलनी है और दुनिया में नाम करना है तो उसके लिए हम लोगों को सन माउंट की बेहतरनेस क्या क्या है वो देखनी पड़ती है। तो आपके सन माउंट तो बहुत बेहतर है, माउंट भी अच्छी खासी है, वहाँ पे दो फिश साइन भी है, लेकिन वेनस माउंट थोड़ी वीक है, अगर इसकी रेमेडी कर पाएँ तो थोड़ी बहुत वेनस भी ठीक हो जाएगी और आपको आप जो काम करते हैं मतलब आर्ट के फील्ड में आपको जो इंटरेस्ट है आप जो जानते हैं उसे आप अच्छी तरह से दुनिया के सामने पेश भी कर पाएंगे, और फेम वगैरह मिलना तो आपके पाम में ही है, आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फेम ज़रूर मिलेगा आर्ट के दुनिया में। आपकी मून माउंट देखें तो ठीक ठाक है, मून माउंट पर बहुत सारी, एक मिनट दूसरी पाम में चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों को मून माउंट क्लियर नहीं दिख रही है, तो ये है इनके मून माउंट ठीक ठाक है, बढ़िया कंडीशन में है, और मून माउंट से ही इनकी फेथ लाइन चल रही है, और यहाँ पे एक ऐसे करके एक एडिक्शन लाइन आई है, किसी तरह का एडिक्शन इनमें ज़रूर होगी, वो किस तरह का है मुझे पता नहीं है, लेकिन एडिक्शन ज़रूर होगी, वो आपकी हेल्थ लाइन मतलब लाइफ लाइन को कट रही है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो किसी भी तरह का एडिक्शन हो, अगर आप किसी रेगुलर मेडिसिन भी लेते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ रेगुलर आप लोगों को लेना पड़ता है, तो उसमें भी वो मतलब जो शरीर को नुकसान धीरे धीरे पहुँचाने लगते हैं उसके कारण भी एडिक्शन लाइन आ जाती है किसी किसी टाइम में। जो लोग ज़िंदगी भर तक मेडिसिन लेते रहते हैं किसी एक मेडिसिन, तो आप ज़रूर देखिएगा उनके पाम में एडिक्शन लाइन आपको जनरली दिख जाएगा। जो लोग नींद की दवा लेते हैं कंटिन्यू, उनके पाम में ज़रूर आपको मिलेगी एडिक्शन लाइन, जो कंटिन्यू नींद की दवा लेते हैं सोने के लिए, उन लोगों के पाम में देखिएगा हर वक्त आपकी एडिक्शन लाइन ज़रूर दिखेगा। तो एडिक्शन लाइन होना ही, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप शराब या उस चीज़ का कुछ ख़राब चीज़ का एडिक्शन है आप में, ऐसा नहीं होती है, बहुत सी चीज़ों के लिए एडिक्शन लाइन आ जाती है, लेकिन जिस तरह भी आए ये आपकी हेल्थ लाइन अगर लाइफ लाइन को काटे तो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट ज़रूर करती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपकी डिफेंसिव मार्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह के कंडीशन में है डिफेंसिव मार्स, कोई भी ख़राब साइन कुछ नहीं है, लिटिगेशन लाइन वगैरह कुछ नहीं है, और ये पूरा एकदम सपाट है और एकदम क्लियर है, तो आपके डिफेंसिव मार्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप में डिफेंसिव क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी, चाहे किसी भी तरह का कोई भी अटैक आ जाए आप में आप उसका डिफेंस बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये रही आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस, अभी एक बार लाइन के ऊपर चलते हैं तो बहुत सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा लाइन के एनालिसिस से, उसके बाद हम लोग आपकी सवाल की ओर एक बार फिर से रोक करेंगे।
अगर आपकी हार्टलाइन देखें तो हार्टलाइन ऐसे शुरू हुई और ये सैटर्न और जुपिटर के बीच में गई एक, और दूसरी शाखा जुपिटर के अंदर आ रही है। तो ये ऐसी नेचर दिलाती है कि आप ना ही दूसरों को नुकसान करती है और ना ही खुद का अगर नुकसान हो उसमें आप संभालती भी है। अगर जुपिटर और सैटर्न के बीच में आ जाए तो कोई अगर दूसरा आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे रोकने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो छोटी सी ब्रांच निकल के जुपिटर की तरफ आ रही है नीचे से, ये हर वक्त आपको जीतना नहीं देगा। मतलब जब भी कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा, कभी ना कभी आपको उसमें हार भी माननी पड़ेगी। मतलब आपके जो फिनेंशियल नुकसान है, दूसरे आपके हक मार जाएंगे, आप कुछ टाइम ऐसा भी होगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ देखेंगे कि आपका फिनेंशियली नुकसान हो गया और आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह का सिचुएशन यह हार्टलाइन दिलाती है। आप कुछ ये इसका कुछ बहुत बड़ा कुछ रेमेडी वगैरह है भी नहीं कि मैं आपको बताऊं। और यहाँ से ये जो लाइन निकला जुपिटर में, जुपिटर को होके ये मार्स की तरफ आ गई। यहाँ से भी एक लाइन ऐसे निकल के मार्स की तरफ आ रही है। एक तो मार्स की तरफ आई, दूसरी ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन को काट के नीचे निकल रही है। इससे दो तीन रिजल्ट निकलेगा। एक तो माइंड लाइन में आ रही है, इसके वजह से आपके रिलेशनशिप में खराबी रहेगी, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसके साथ और दो लाइन है जो नीचे झुक रही है, ये भी हार्ट ब्रेकिंग दिखाती है। तो रिलेशनशिप में खराबी होना और मतलब दो तीन बार आपका लाइफ में हार्ट ब्रेक होना, ये सारे प्रॉमिस आपके हार्टलाइन से हमें मिल रही है। दूसरी ये चीज़ ये क्या करती है, अगर ऐसे हार्टलाइन का कोई ब्रांच आके मार्स माउंट में आ जाए तो आप लोगों की बीच बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, आप रोक नहीं पाते हैं खुद को। मतलब आप शांत रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा शांत रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी बात में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, अचानक से गुस्सा आ जाएगी आपको, तब आप अपने आप को ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा कर जाएंगे जो करना नहीं चाहिए। आप बाद में सोचेंगे शायद ये करना नहीं है या फिर ये बोलना ठीक नहीं था, लेकिन उस टाइम में आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं जब आप लोगों की गुस्सा आ जाती है। ये थोड़ी ख़राब सिचुएशन है अगर किसी की हार्ट लाइन मार्स माउंट में आ रही है। आपकी माइंड लाइन कैसी है, आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बहुत ज़्यादा अलग चल रही है और ये दो कोण बना के मून के अपर पार्ट में आ रही है। तो ऐसे अगर माइंड लाइन हो जिनके लाइफ लाइन से अलग चले, तो ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंट नेचर की आपकी ओर इशारा करती है। मतलब आप ऐसे इंसान हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी डिसीजन लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत ज़िद्दी होते हैं अपने डिसीजन के बारे में कि मैं जो अपना फैसला है ज़िंदगी का मैं करूँगा, कोई दूसरे अगर मेरे बारे में बोलेगा भी, मेरे डिसीजन देगा भी, तो मैं उसे ज़्यादा सोचूंगा नहीं। अगर वो मेरी डिसीजन से मैच करेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, अगर नहीं डिसीजन से मैच करेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने जो अपना खुद का डिसीजन लिया है उसी में मैं कायम रहूंगा। इस तरीके का आपका नेचर रहेगा। माइंड लाइन में दो कोण है, ये आपको फिनेंशियल लॉस दिलाती है। अगर माइंड लाइन में ऐसे कोण बन जाए तो कभी बहुत टाइम कभी ना आपके दो कोण बने हैं तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा फिनेंशियली नुकसान होगा। अभी तो आप फिनेंशियल नुकसान में चल ही रही है, तो फिनेंशियल तो आपके सिचुएशन ख़राब ही है। उसके ऊपर माइंड लाइन का ये कोण ये कन्फर्म कराती है हाँ, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको फिनेंशियली नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आपके सन माउंट में दो प्रोमिनेंट फिश है, तो अल्टीमेटली आप पैसे वाले तो ज़रूर बनेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से बने, खुद कमाएं या फिर अपने पति का पैसे आप में आ जाए, लेकिन पैसे वाले आप ज़रूर बनेंगे, उसका तो कन्फर्मेशन आपके पाम से है। आपकी लाइफ लाइन कैसी है, आपकी लाइफ लाइन अगर देखें हम लोग, लाइफलाइन शुरुआत में जॉब साइन बना के चल रही है। यहाँ पे हम लोग एक जॉब साइन दिख रही है एकदम बचपन में अर्ली एज में, तो शायद आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे उस टाइम पीरियड में, या फिर फैमिली में कोई इशू था, या फिर आपकी हेल्थ में उस टाइम पीरियड में कुछ इशू रहा होगा, इसके लिए ये जॉब साइन वहाँ पे दिख रही है हमें। उसके बाद जो लाइफलाइन आपकी चली, अभी आपकी लाइफ की ज़िंदगी की जो मेन प्रॉब्लम वो निकलेगी यहाँ से। ये जो लाइफ लाइन आपकी चली ऐसे चल रही है, दो ब्रांच निकल रही है, ये जगह पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले आके कटी, यहाँ पे कटी, यहाँ पे कटी। मैं शायद ड्रॉ करते करते थक जाऊँ, दो तीन लाइन मिस भी कर जाऊँ, इतने सारे राहु लाइन इनके पाम से कट रही है। हाँ, इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे मार्स लाइन है, इस पाम में हमें क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन इनके सपोर्ट में यहाँ पे मार्स लाइन है, बहुत बड़ा दो मार्स लाइन है। लेकिन मार्स लाइन सपोर्ट होते हुए भी इतनी अगर राहुल लाइन काटे तो थोड़ी बहुत तो इसको प्रॉब्लम देगी ही।
ये मार्सलाइन के सपोर्ट के होने के वजह से ये आखिर में जीत ही जाएंगे और कुछ बहुत ज़्यादा मेजर खराबी नहीं होगी इनकी लाइफ में, लेकिन ये प्रॉब्लम तो आता रहेगा। इसकी क्या एज मैं कैलकुलेशन करूँ, मैं अगर देखूँ तो करीब करीब इनकी 42 ईयर्स एज तक, मेनली अगर हम लोग देखें तो 35 तक इनके लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा राहु लाइन की बार है। 35 तक देखिए एकदम अलग से हर एक 2 साल के अंदर ही एक राहु लाइन की बार है। कभी कभी तो 1 साल में दो, यहाँ पे एक ही जगह पे 2-3 लाइन भी कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है, इतनी ज़्यादा कट रही है कि हर एक 2 साल में इनकी राहु लाइन कट रही है लाइफ लाइन में। इनको क्या होगी उस टाइम पीरियड में, फैमिली में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, फिनंशियली तकलीफ हो सकती है, हेल्थ में तकलीफ़ हो सकती है। तो इनके रिलेशनशिप और हेल्थ मतलब फैमिली में तकलीफ़ तो है, इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है इनके फिनंशियली और फैमिली में। तो ये सारे जो हैं ये मेनली राहु लाइन की बार है। ये जो राहु लाइन अगर आपकी लाइफ को इतनी ज़्यादा काटे तो आपकी लाइफ तो अच्छी ठीक ठाक तरीके से उस तरह से नहीं रहेगा। करीब करीब 35 तक ये इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ लाइन की बार है, तो 35 तक तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत लाइफ लाइन आपकी ठीक हो रही है। लेकिन 42 के करीब एक और कट है, उसके बाद और कट नहीं है। तो 42 में 42 के बाद एकदम आपकी लाइफ लाइन क्लियर हो रही है और ज़्यादा कुछ कट नहीं दिख रही है हमें लाइफ लाइन की। आगे चल के आपकी लाइफ लाइन नीचे जा के एक ब्रांच उसकी मून की तरफ जा रही है और एक ब्रांच केतु के अंदर झुक रही है। अगर मून की तरफ अगर कोई लाइफ लाइन की ब्रांचेस जाए तो इनको लॉन्ग ट्रैवल ज़रूर होती है। ये लोग जनरली ऐसे होते हैं कि अपने जन्म जहाँ पे होते हैं वहाँ से दूर जाके रहते हैं, या फिर दूर जाके काम करते हैं, किसी फॉरेन जाके सेटल हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहती है। तो इनको ना ही ये दूर जाके रही है, ये इनकी जहाँ पे जन्म हुआ है वहीं पे इनकी शादी हुई है, ना ही ये बहुत ज़्यादा बाहर गए हैं कभी, और ना ही तो इनकी कभी बाहर मतलब जाने के चांसेस आई है। तो ये सारे जो है इनके ड्यू पड़े हैं, ये ज़रूर ऐसे इनकी ज़िंदगी में आएगी कि इनके बाहर के साथ इनके कनेक्शन जुड़ेगी, फॉरेन लैंड या दूर के ज़मीन से इनकी कनेक्शन ज़रूर जुड़ेगी, क्योंकि इनकी फेथ लाइन भी यहाँ से चल रही है मून माउंट से। तो ये सारे कनेक्शन के वजह से इनके फॉरेन का कनेक्शन बोलिए या फिर इंडिया में ही बहुत दूर जगह जाके यहाँ जहाँ पे इनके जन्म हुआ है उसके साथ तो इनके कनेक्शन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह से जुड़े, रिलेशनशिप में जुड़े या फिर काम के लिए जुड़े, किसी भी तरह के इनके फॉरेन का मतलब दूर ज़मीन का दूर लैंड का कनेक्शन ज़रूर होगा पाम में। हम लोग निकालेंगे किस एज में हो सकते हैं। तो ये रही आपकी लाइफ लाइन। अब इसके वजह से आपको आपने जो कहा है कि आपके फॉरेन का टूर हो सकती है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है मतलब परमानेंट कनेक्शन है आपके फॉरेन जाने का, तो होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप फॉरेन ज़रूर जा सकते हैं। अभी आपकी अगर फेथ लाइन देखें तो फेथ लाइन ऐसे एक इस तरह से चल रही है, दूसरी फेथ लाइन आपकी लाइफ लाइन से उठ के ऐसे माइंड लाइन के ऊपर यहाँ पे आके रुक गई है। तो ये जो फेथ लाइन है ये क्या कह रही है, दो फेथ लाइन होना दो काम नहीं समझाता है, लेकिन अगर लाइफ लाइन से कोई फेथ लाइन निकले तो वहाँ पे हम लोगों को कंफर्ट जोन मिलती है। इसका क्या थ्योरी है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर से या फिर अपने जगह से या फिर अपने कंफर्ट जोन में ये घुस के रह जाते हैं, चाहे ये खुशी से रहे या ना खुश से रहे या दुख से रहे, वो कंफर्ट जोन तोड़ नहीं पाते हैं। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनमें ये जहाँ पे रहती है अपने पति के साथ ये खुश नहीं रहती है, लेकिन वहाँ से ये निकल भी नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। ये निकलेंगे क्या, कैसे निकलेंगे? आपके पास अगर कुछ हो, आप अगर अपने घर से बाहर चले जा रहे हैं तो आपके पास तो कुछ होना चाहिए, खुद का एक घर होना चाहिए, कुछ पैसे होने चाहिए, ये कुछ भी नहीं है इनके पास कि उसको लेके ये बाहर जा सके। तो इस तरह का कंफर्ट जोन में ये फंस चुकी है कि लेकिन इनके फेथ लाइन एक दूसरी भी है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जिन लोग ऐसे रहते हैं कि कंफर्ट जोन के फेथ लाइन के साथ और एक फेथ लाइन रहे। इनके लिए क्या होती है, इनके करियर कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एकदम ऐसे ही होते हैं, इन लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने जो ये है मतलब अपने जो पैसे कमाने के लिए, इनको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर सिर्फ एक लाइन कंफर्ट जोन की हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इन लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत में वो सक्सेस बहुत ज़्यादा शुरुआत में ही मिल जाती है। क्या होती है, ये जो अगर थोड़ी भी मेहनत करे किसी भी फील्ड में पैसे कमाने के लिए, इनको शुरुआत में ही बहुत बड़ा स्टार्टिंग मिल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग मिलने के बाद फिर धीमा हो जाएगा इनका करियर।
तब जाके इनकी रियल स्ट्रगल शुरू होगी। ये जो फेथ लाइन है ये ड्यू रख देता है आपके पैसे कमाने, मतलब आप जो पैसे कमाना था वो आपने कमाया नहीं, तो ये ड्यू रख रहा है इसको। आप जब भी इसको थोड़ी सी हल्की सी भी इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये फेथ लाइन क्या करेगा, ये आपको इमीडिएटली रिजल्ट देगा। मतलब एक महीने में आप बहुत ज़्यादा, मतलब सपने में भी नहीं सोच पाएंगे इतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल जाएगी अचानक से, थोड़ी बहुत ही मेहनत करने में। तो उस तरह का सक्सेस मिल जाएगा इनको शुरुआत में ही ये फेथ लाइन के कारण, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ड्यू थी। ये ड्यू वो एकदम शुरुआत में जब भी मौका मिलता है वो आप लोगों को दे देता है। उसके बाद ये एक्शन में आती है और ये थोड़ी बहुत अच्छी स्टार्ट करने के बाद फिर स्ट्रगल देती है। ये फिर एक्शन में आती है और स्ट्रगल देती है, मतलब शुरुआत अच्छी, शुरुआत के बाद आप देखेंगे कि आपका काम उस तरह से नहीं बन रहा है जिस तरह से शुरुआत हुई थी। वो टाइम होती है आपकी रियल स्ट्रगल की। तब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आपको, और उस मेहनत के बाद आपको जाके अगर आप कर पाते हैं और उसे टिका पाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मन चाहे, मतलब जितना चाहते हैं आप उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती है। कंफर्ट जोन की लाइन की यही खासियत रहती है, आप जितने चाहते हैं उससे ज़्यादा सक्सेस देती है। आप अगर सोचते हैं कि मुझे 1,00,000 रुपये महीने कमाना है और आप उस कंफर्ट जोन को तोड़ पाते हैं तो एक नहीं आप 5,00,000 रुपये महीने कमा पाएंगे, और वो भी आसानी से। लेकिन उसके लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, जो फाइटिंग करना पड़ेगा, जो स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मेहनत से करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगी। आपकी ये दूसरी फेथ लाइन के कारण आपको अचानक से सक्सेस मिल जाएगी आपको थोड़ी सी मेहनत करने में ही, और उसके बाद आपको ये दूसरी जो स्ट्रगल है उसके बाद ही स्ट्रगल होगा। ये सभी का ऐसी ही होती है, जिन लोगों का ये दो लाइन होती है उन सभी के लाइफ की इवेंट ऐसी ही होती है, तो आपका भी ऐसा ही होगा। ये जो मेन फेथ लाइन है आपके, यहाँ पर भी बहुत सारे कट हैं, यहाँ पे भी हम लोग अगर देखें, ये दूसरी माइंड लाइन नहीं है, ये राहु लाइन ही है जो यहाँ से आके इस तरह से कट रही है, यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है, कोई स्टार फॉर्मेशन नहीं बना रही है। मैं देखा कि स्टार फॉर्मेशन बना रही है कि नहीं, नहीं, ये सारे जो हो रही है ये फेथ लाइन को कट रही है। और बहुत सारे ये लाइन आते हुए बहुत सारे मेन लाइन को काट के ये सारे क्या कर रही है, ये स्ट्रेस लाइन बना रही है। बहुत मोटा मोटा स्ट्रेस लाइन बन रही है इसके हाथ में। इसके कारण क्या हो रही है, इनमें डिप्रेशन बहुत आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। ये लाइन दर्शाता है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, अगर राहु एरिया में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लाइन हो जिसका कोई नाम ना हो ना ही कोई ठिकाना हो, मतलब जिस लाइन का कोई नाम नहीं है और कोई ठिकाना भी नहीं है, कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चल रही है, बस आते जाते ये मेन लाइन को कट रही है, ये सारे लाइन को स्ट्रेस लाइन कहते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी ये जो जो लाइन को भी कटते हैं वो सारे के सारे लाइन में डिफ़िकल्टी दिलाती है। तो इनके लाइफ लाइन और फेथ लाइन दोनों को ही कट रही है। लाइफ लाइन से इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और फेथ लाइन में इनकी फिनेंशियली डिफ़िकल्टी दिख रही है हमें, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी चल रही है इनकी। और अगर फेथ लाइन की एज कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे भी हम लोग दिख रहे हैं कि करीब करीब 35-36 तक इनके फेथ लाइन में इतनी ज़्यादा कट हमें एकदम क्लियर दिख रही है। 35 के बाद भी कट है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं पैमाने में है, जो ये एज कड़ी कड़ी ये एज रही इनकी 32 के पास, 32 से लेके 34 तक ये सारे एज का जो राउंड किया है उस सर्कल में देखिए क्या कंडीशन है। एक तो ओवरलैप है और बहुत सारे कट है, ये सारे जो पीरियड है ये पीरियड के इतनी ख़राब पीरियड आपकी नहीं रहेगी 35 के बाद, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी। लेकिन अगर 40 देखें 35 के बाद, दो तीन और छोटी मोटी काट होने के बाद 40 के बाद आपकी फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा क्लियरली चल रही है। तो आपको जो मेन मतलब ज़िंदगी का जो मेन सक्सेस मिलेगा वो 40 के बाद ही मिल पाएगा, उससे पहले नहीं। 35 से ही आपको थोड़ी बहुत सक्सेस ज़रूर मिलता रहेगा क्योंकि फेथ लाइन में उतना ज़्यादा बांध नहीं है, और थोड़ी बहुत आप स्ट्रगल करने के बाद आपको 35 से ही सक्सेस मिलने लगेगा। शायद उसके बाद 38-39 में कुछ आपके एक्सपेंसेस आ जाए या फिर कुछ नुकसान हो जाए क्योंकि यहाँ पे कोन वगैरह है, तो उस वो पीरियड चलने के बाद 40 के बाद आपकी जो फेथ लाइन है एकदम क्लियर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधा जाके ऐसे माइंड लाइन के साथ चल रही है। तो सॉरी हार्ट लाइन के साथ ये कॉन्जॉइंट होकर चल रही है। हार्ट लाइन के साथ अगर फेथ लाइन कॉन्जॉइंट हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, मार्ज होने के कारण उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। फेथ लाइन को अगर माइंड लाइन से मार्ज हो और कॉन्जॉइंट होकर चले तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये 40 के बाद आपकी ज़िंदगी एकदम, मतलब एकदम
बढ़िया तरीके से बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी खुश रहेगी। क्यों खुश रहेगी? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी लकी साइन दिखी, आपके पाम की कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी है, ये सारे हमें आपकी पाम से देखी और हम लोगों को मिली। तो ये रही आपकी ओवरऑल जो पाम थी उसकी एनालिसिस। अभी आपकी सवाल की ओर गौर करते हैं एक बार। आपको एक्टिंग और डांस बहुत पसंद है और उसमें आप कुछ करना चाहते हैं, कैसा रहेगा आपका ज़िंदगी में? तो सन माउंट हमें अच्छी मिली। आपकी पाम किस तरह का है? एकदम बढ़िया आर्टिस्टिक पाम है, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, माइंड लाइन भी अच्छी तरह से मून के ऊपर अपर माउंट में आ रही है, अपर पार्ट में आ रही है। ये बहुत बेहतरीन होती है, जो आर्ट की दुनिया में जाना चाहते हैं इनमें ये बहुत बेहतरीन रहती है। तो ये जो दिलाएगा आपको आर्ट की सेंस दिलाएगा, किसी भी तरह का आर्ट हो आप उसमें सीखने की, उस कला में माहिर होने के चांसेस सब कुछ है। सन माउंट आपको वहाँ पर रेस्पेक्ट भी लेगा, लेकिन ये जो आपने जो सीखा है, मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से कुछ सीखा है, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा, मतलब बहुत अच्छी तरह से आप डांस कर सकते हैं, लेकिन जब आपको स्टेज में दिलाया जाएगा तब उतनी बेहतर तरीके से आप उसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये रहती है आपकी वीनस अगर वीक हो उस कंडीशन में, तो आपकी वीनस वीक है तो परफॉर्मेंस के टाइम आपके इस तरह का तकलीफ देखा जाएगा। तो उसके लिए मैं रेमेडी दूंगा, उसमें थोड़ी बहुत आपको मदद आएगी और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे। एक बार आप परफॉर्म अच्छी तरह से कर पाएंगे तो आपको सक्सेस मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ज़रूर आप कर पाएंगे उसमें सक्सेस, थोड़ी बहुत बाधाएं हैं लेकिन उसे कवर करने के बाद आप ज़रूर कर पाएंगे। क्या कभी खुश रह पाऊंगा? ज़रूर रह पाएंगे। देखिए, खुश ये एक एक इंसान के ऊपर एक एक तरीके का होता है। मैं आपके लिए बारे में नहीं बता रहा हूँ, आपने अपना लाइफ इवेंट बताया जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो उस सिचुएशन में तो आप कोई भी खुश नहीं रह सकता है, लेकिन हाँ आप दूसरी तरीके का खुशी ज़रूर ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत टाइम अपना निकाल के आप ज़रूर खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। आप कोई अपना शौक रखिए, उससे खुश रहिए, तो आप खुश उस तरह का जो आप बोल रहे हैं तो वो तो एकदम करीब करीब आपके 35 के बाद ही हो पाएगा कि आप जहाँ से आपकी फेथ लाइन ठीक ठाक हो रही है, लाइफ लाइन भी थोड़ी बहुत हम लोग दिख रही थे कि प्रॉब्लम थोड़ी बहुत वहाँ उस पीरियड में दूर हो रही है। तो 35 के बाद आपकी लाइफ लाइन और फेथ लाइन से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दूर हो रही है, और 40 के बाद दोनों ही लाइन, लाइफ लाइन और फेथ लाइन दोनों से ही एकदम बढ़िया क्लियर इंडिकेशन हम लोगों को मिल गया। तो एक अगर साइन हम लोगों को मिलती है उसका इंडिकेशन रहती है, अगर दो इंडिकेशन एक ही तरह के एक ही एज में दो लाइन से अगर पॉजिटिव इंडिकेशन मिलती है तो उसे जान लीजिए और होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 40 के बाद आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप बेहतर तरीके से उस टाइम के बाद आप ज़रूर जी पाएंगे। कमा भी पाऊंगा कि नहीं, देखिए आपके मतलब पैसे आप कमा पाएंगे कि नहीं, आपके पाम में दो फिश साइन है तो आप करोड़पति तो ज़रूर बनेंगे। कैसे बनेंगे? आप खुद इनकम करके बना सकते हैं, या फिर जो आपके पति कमा रहे हैं उसमें भी आपका अंश रहे, सिर्फ पामिस्ट्री एंगल से नहीं लीगल एंगल से भी आपका अंश है। उसे कैसे पाया जा सकता है वो तो लीगल मैटर है, आप उसके लिए आपको लॉयर से वो मतलब कानूनी जो दाव पैच है वो सारे जानना पड़ेगा, उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, पर किसी भी तरीके से नहीं बता सकता हूँ, वो कानूनी ये है। लेकिन आपके पास पामिस्ट्री के हिसाब से तो आपके यहाँ पे पैसे और फिनांस बहुत अच्छी तरीके से वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो पैसे आप खुद अगर कमाना चाहते हैं तो ज़रूर कमा पाएंगे, क्योंकि ये दो फिश साइन है, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। दुनिया में कभी भी आपको इज्जत जरूर मिलेगी कि नहीं? ज़रूर मिलेगी। सन में अगर बढ़िया कंडीशन हो तो आप ज़रूर रिस्पेक्ट सोसाइटी से ज़रूर मिलती है, लेकिन वहाँ पे आप लोग, मैंने जो कहा कि वीनस आपके डाउन है, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस में आपकी थोड़ी बहुत कमी आएगी। परफॉर्मेंस को अगर आप ठीक कर पाएंगे तो रिस्पेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप थोड़ी बहुत भी परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो आप रिस्पेक्ट उसके मुकाबले में आपको ज़्यादा मिलेगा। फॉरेन कनेक्शन है कि नहीं आपके पाम में? है फॉरेन कनेक्शन, हम लोगों ने निकाला, आप ज़रूर जा सकते हैं। वो सारे जो कनेक्शन हमें चाहिए होती है लाइफ लाइन से, फेथ लाइन से, मून माउंट से, वो सारे के आपके कनेक्ट पाम में हैं। टाइम पीरियड के साथ मैंने सब कुछ यही आपको बताया। तो आपके यही रही पाम की एनालिसिस। ओवरऑल तो 35 तक बहुत ही ख़राब है सिचुएशन लाइफ लाइन और फेथ लाइन से, आगे चल के ज़िंदगी थोड़ी बहुत खुश हो रही है। अभी और एक सवाल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इनके पाम जब आया तो इनको मैंने मांगा कि आपके मैरिज लाइन का थोड़ा दीजिए, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मैरिज लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इनके पाम देख के मैंने इनको एक बात पूछ लिया कि 20 साल के लगभग आपकी शादी हुई होगी,
तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो एज निकाला करीब करीब 19 के एज के पीरियड में इनकी शादी हुई। वो हम लोगों ने कैसे निकाला, देखिए ये जो मैरिज, ये जो लाइन है, ये सर मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप लोग शायद क्लियर नहीं देख पाएंगे, इसलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि वो ऐसा पाम है कि नहीं। हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन है, 1, 2, 3 और यहाँ पे एक छोटी सी हल्की सी है। तो ये जो चार लाइन है ये दिखाती है कि क्या जो शादी हो, मतलब ये जो पहली लाइन है ये करीब करीब 1920 यही एज में, एज को दर्शाता है। अगर हम यहाँ से निकालें, ये तो एकदम हार्ट लाइन के नीचे आ रही है, हार्ट लाइन के एकदम एकदम अगर शुरुआत में हो तो अर्ली एरेज मान ली, मतलब अर्ली मैरिज आप मान लीजिएगा, मगर अर्ली मैरिज मतलब हमारी यहाँ पे मतलब जो लॉ है इंडिया में वो 18 ईयर्स एज होती है, जहाँ पे आप लोग लीगली जिस एज में आप शादी कर सकते हैं वो 18 ईयर्स होती है। तो अगर हार्ट लाइन अगर आप ऐसे सीधे खींचे और वहाँ पे आके आपकी मैरिज लाइन जो फर्स्ट मैरिज लाइन है वो आके मिल जाए, या फिर कट के भी चली जाए, या ना कटे ये छूए, या फिर उसके करीब आ जाए, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, बाद में चल के आप लोगों की आसानी होगी निकालने में। अगर हार्ट लाइन को आप ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं और एक मैरिज लाइन आप लोगों को ऐसे दिख रही है जो बिल्कुल हार्ट लाइन के करीब है इस तरीके से, तो भी उन लोगों की अर्ली मैरिज हो जाएगी। अर्ली मैरिज लीगल मैरिज 18 साल की होती है, तो उससे लेके करीब करीब उसकी एंडिंग पॉइंट तक देखिए कि उनकी एंडिंग पॉइंट कितनी दूर है। तो इनकी एंडिंग पॉइंट अगर देखें तो करीब करीब ये 2-3 साल की होगी, तो 18 से 2-3 साल अगर देखें तो 20-21 साल, मतलब 18 से 21 साल की उम्र होने के बीच इनकी शादी होने के, या फिर उस टाइम में किसी के साथ संबंध होने के, रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा थी। तो उसी हिसाब से मैंने इनको बोला था कि आपकी शादी हो उस एज पीरियड में हुई जो सटीक थी उनकी, करीब करीब 19 ईयर्स के एज के टाइम की शादी हुई। तो ये रही कैसे अगर शादी की लाइन आपकी हार्ट लाइन के एकदम पास हो तो उससे कैसे हम लोग एज निकालेंगे और किस तरीके का शादी हो सकती है, वो हमने निकाला। तो इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को रखते हैं, अगली बार एक नया पाम लेके आएंगे और बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से साक्षात होगी। अगर आप भी खुद अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेरी व्हाट्सएप नंबर दी हुई है, वहाँ पे देख के आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मेरे चैनल में आने के लिए शुक्रिया आप लोगों का।